ओके तो आज हम करेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3 के अंदर आपका आता है TCP/IP मॉडल। ओके, TCP/IP मॉडल क्या है समझने के लिए पहले ध्यान दें। OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल वाज डिज़ाइन बाय ISO। इन OSI मॉडल दे डिफाइन हाउ द डेटा विल मूव फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। ऐसा ही बताया था ना, डन। बट TCP/IP मॉडल वाज डिज़ाइन बाय डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ऑफ USA। इन TCP/IP मॉडल दे डिफाइन दैट विच प्रोटोकॉल विल वर्क एट विच लेयर। OSI मॉडल में तो उन्होंने बस ये बताया था कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे डेटा कैसे जाएगा, कैसे जाता है। लेकिन OSI ये TCP/IP मॉडल में उन्होंने बताया कि किस लेयर पे कौन सा लेयर में प्रोटोकॉल वर्क करेगा। और TCP/IP जो लेयर्स हैं उसके अंदर होती हैं 4, नेटवर्क एक्सेस, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन, डन। अब ये अगर हमें देखना है कि कौन सा क्या है, तो पहले जो ओरिजिनल पहले आया था OSI मॉडल का कितना था, फिजिकल फिजिकल डेटा, डेटा नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। उन्होंने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को एक बना दिया, नेटवर्क कर पहली दिया, और दूसरी को एक बना के क्या नाम दे दिया, नेटवर्क नेटवर्क एक्सेस, एक्सेस लेयर। नेटवर्क लेयर का नाम रख दिया इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट लेयर का, ट्रांसपोर्ट, और सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन तीनों को मिला के। एप्लीकेशन, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। उन्होंने बताया था किस लेयर, मतलब एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे डेटा कैसे जाएगा, और उन्होंने 7 बनाए थे। इन्होंने उन्हीं 7s को फोर में डिस्टिंक्ट, 4 में कॉम्बाइन कर दिया, फर्स्ट और सेकंड को मिला के 2, 2 को मिला के 1, नेटवर्क, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन को मिला के एप्लीकेशन लेयर, डन। ओके, गॉट इट और नॉट? अब मॉडिफाइड आ गया है उसी का, मतलब थोड़ा ठीक है। उन्होंने क्या किया, पहले कौन सा था, फिजिकल डेटा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, ये तो वही है। जो अब मॉडिफाइड आया है उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया, फिजिकल को अलग कर दिया, डेटा को डेटा रहने दिया, नेटवर्क को इंटरनेट, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन एप्लीकेशन लेयर, 5 ही तो हो गई। मतलब अब जो पहले 2 थे उन्हें अलग अलग कर अलग दिया, कर तो दिया। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, डन। अब इसके अंदर आता है सेम लेयर सेम लेयर इंटरेक्शन। इंटरेक्शन, सेम लेयर इंटरेक्शन क्या होता है आपका, जब भी अगर एप्लीकेशन लेयर से वर्क कम्युनिकेट करेगा, प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन लेयर से करेगा, सेशन लेयर से करेगा, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल फिजिकल लेयर से कम्युनिकेट करेगा, तो उसे सेम लेयर इंटरेक्शन बोलेंगे, सेम डन। लेयर इंटरेक्शन, सेम लेयर इंटरेक्शन, सेम लेयर, एक डन। ही। हाँ, ओके ओके, ये तो होगा 2 पीसेस। ये दरवाज़ा बंद कर देगा जरा, दरवाजा बंद दरवाजा करें। ठीक है, ओके। सेम लेयर इंटरेक्शन क्लियर हुआ, जब भी एक एप्लीकेशन दूसरे, व्हेन एन एप्लीकेशन ऑफ ए सिस्टम विल कम्युनिकेट विद द सेम एप्लीकेशन ऑफ अनदर सिस्टम, सेम लेयर सेम इंटरेक्शन, लेयर इंटरेक्शन। डन। उसके बाद एक टर्म आती है यहाँ पे, एडजेसेंट लेयर इंटरेक्शन। एडजेसेंट लेयर इंटरेक्शन क्या होती है, जब भी एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन से, प्रेजेंटेशन सेशन से, सेशन ट्रांसपोर्ट से, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से, नेटवर्क डेटा लिंक फिजिकल, फिजिकल डेटा लिंक नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, जब भी एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करेगी, लोअर और अपर, उसको क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एडजेसेंट लेयर इंटरेक्शन। गॉट इट? लेयर, ओके, फर्स्ट आता है नेटवर्क नेटवर्क एक्सेस लेयर। नेटवर्क एक्सेस लेयर आपको पहले ही बताया था यहाँ पे कि इन TCP/IP मॉडल, मॉडल, OSI, फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर वर्ड्स मर्ज्ड, एंड दिस मर्ज्ड कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड नेटवर्क एक्सेस लेयर, डन। फिजिकल और डेटा को मर्ज हाँ, किया गया वहाँ पे। जैसे अभी तुम्हें पहले फोटो के अंदर दिखाया था कि हमारे पास क्या है, कि ये है सबसे पहले क्या है, फिजिकल डेटा, डेटा, नेटवर्क,
डेटा, फिर है आपका नेटवर्क, फिर है ट्रांसपोर्ट, फिर है आपका सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। तो पहली दो को मिला के क्या बनाया था, नेटवर्क एक्सेस, इसका इंटरनेट, इसका और पहली ये लोअर तीन को मिला के एप्लीकेशन, ऐसा ही कुछ था। तो वही तो दिखाया गया है आपको यहाँ पे कि नेटवर्क एक्सेस लेयर जो है इन TCP/IP मॉडल, ये आपका OSI हो गया और ये हो गया TCP/IP। TCP/IP के अंदर फर्स्ट और सेकंड को मर्ज किया गया है और इस मर्ज कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे नेटवर्क एक्सेस लेयर। देन ओके, अब इस पे प्रोटोकॉल कौन से हैं, यही बताया था ना कि किस लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करेगा। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर पे आते हैं आपके इथरनेट, जब लिखे हैं तो लिखने की क्या ज़रूरत है, इथरनेट, फ्रेम रिले, ATM, HDLC एंड PPP। इथरनेट, फ्रेम रिले, पॉइंट टू पॉइंट, HDLC, वो हो गया ना पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, HDLC और ATM हो गया। ओके, सबसे पहले क्या है इथरनेट, क्या है इथरनेट, इज़ ए प्रोटोकॉल एंड IEEE स्टैंडर्ड, प्रोटोकॉल भी है और स्टैंडर्ड भी है। वो आपको बताई था इसका फ्रेम स्ट्रक्चर कैसे होता है, बताने की ज़रूरत है तो बात, हाँ बिल, प्रिंसिपल, स्टार्ट फ्रेम, डेलिमीटर, डेस्टिनेशन मैक, सोर्स मैक, लेंथ, टाइप, डेटा, चलो फिर भी नए सिरे से, हाँ हाँ बिल्कुल। तो उसके लिए क्या होगा, ये जब भी हमारा फ्रेम जाएगा तो फ्रेम के अंदर क्या होगा, सबसे पहले प्रिंसिपल, स्टार्ट फ्रेम, डेलिमीटर, डेस्टिनेशन मैक, सोर्स मैक, लेंथ, लेंथ, टाइप, फिर होगा आपका डेटा और फ्रेम चेक सीक्वेंस, 7 bytes, 1, 6, 6, 2, 2, 1500 और 4 bytes। इसको बोलेंगे हम इथरनेट हेडर और इस वाले पोर्शन को बोलेंगे इथरनेट। डन, ओके। फिर क्या है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ये तो हो गया कब, ये हमें इथरनेट कब चाहिए, इथरनेट चाहिए किसके अंदर, देखो लेयर टू प्रोटोकॉल, लेयर टू प्रोटोकॉल में जब हम नेटवर्क की बात करते हैं तो नेटवर्क की हम बात इस तरह करते हैं कि ये हो गया राउटर जो कनेक्टेड है अनदर राउटर से, ये राउटर कनेक्टेड हो गया आपका स्विच से और स्विच से कनेक्टेड हो गया PC। डन, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कौन सा चलेगा, इथरनेट, गॉट इट और नॉट। अब बात आती है पॉइंट टू पॉइंट, तो इथरनेट किसके अंदर चलता है, लेन के अंदर, ये कैसा नेटवर्क हो गया, वेन, वेन के अंदर आपके चलेंगे PPP, HDLC, फ्रेम रिले एंड ATM। डन, कोई कन्फ्यूजन, ओके। तो बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल क्या है, पॉइंट टू पॉइंट PPP का फुल फॉर्म है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ए प्रोटोकॉल, इट नेबल डिफरेंट वेंडर्स राउटर्स टू कम्युनिकेट ईच अदर। ये एक प्रोटोकॉल है, मान के चलो एक राउटर आपका किसका है, सिस्को का है, दूसरा किसका है, जुनीपर का है, या फिर अब एक चाइनीज़ कंपनी है जिसका नाम है, क्या नाम है, हुआवे, हुआवे जो भी है। डन, गॉट इट और नॉट। तो अब सिस्को के पे तो सिस्को का HDLC चलता है, हो सकता है इसके पे इनका कोई प्रोप्रेटरी चलता हो। डन, सिस्को पे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या चलता है, सिस्को का HDLC चलता है। जब सिस्को के राउटर पे अपना प्रोटोकॉल चलेगा तो ये तो पॉसिबल है कि अनदर वेंडर भी अपना या तो जुनीपर वाला या हुआवे वाला क्या करेंगे, यूज़ करेंगे अपने राउटर पे, तो ये एक दूसरे से क्या नहीं करेंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाएंगे, इंस्टेड ऑफ HDLC वो भी एक ओपन स्टैंडर्ड PPP यूज़ करेगा, और इंस्टेड ऑफ देयर प्रोप्रेटरी दे विल यूज़ PPP। तो PPP एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो इनेबल करता है डिफरेंट वेंडर्स राउटर्स को टू कम्युनिकेट ईच अदर। डन,
वही लिखा है कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ए प्रोटोकॉल इट नेबल डिफरेंट वेंडर्स राउटर्स टू कम्युनिकेट इच अदर बिकॉज क्योंकि सिस्कोज राउटर यूज सिस्को प्रोप्राइटरी HDLC ऑन इट्स सीरियल इंटरफेस एंड इट मे बी पॉसिबल दैट अनदर वेंडर राउटर्स मे यूज ओपन स्टैंडर्ड और HDLC और प्रोप्राइटरी HDLC इन दिस कंडीशन दे विल नॉट कम्युनिकेट टू ईच अदर गट डन तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम HDLP यूज करेंगे डन अब PPP का हमें फ्रेम स्ट्रक्चर पता करना है डन तो जब वहां पे फ्रेम बनेगा तो पैकेट तो क्लाइंट भेजेगा ही भेजेगा तो पैकेट को तो वो रख देगा यहां पैकेट और उस पे लगेगा PPP हेडर और PPP ट्रेलर डन तो इसके अंदर होता है फ्लैग एड्रेस कंट्रोल टाइप डन और फ्रेम चेक सीक्वेंस 1111 ठीक है एंड 4 बाइट्स ये बिट है 1 बिट लेट्स सी ठीक है हाँ अभी कितने 1 घंटे के बाद करनी है डन क्लियर हाँ ये बिट्स हैं इसको ना कंफर्म कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे लिखाया नहीं है ओके तो इसमें ही बता देता हूँ मैं इसको थोड़ा रोक लेते हैं ठीक है तो दो ही होगा या तो ये बिट में होगा या फिर बाइट्स में होगा ठीक है बट ये याद रहे वो आपको बता दिया 1 2 bytes ये 2 bytes का होता होगा 1 byte एड्रेस 1 byte फ्लैग 1 byte जो भी है एड्रेस कंट्रोल एंड 2 bytes प्रोटोकॉल टाइप फील्ड जो कि आप यहाँ देख सकते हो डन ओके हाँ इसमें तो कंट्रोल का भी 2 दिखा रखा है चलो ये लो ठीक है उसके बाद आता है कि PPP हमें पता चल गया कि ये इनेबल करेगा डिफरेंट वेंडर्स राउटर्स को कम्युनिकेट कराने के लिए ठीक है ओके उसके बाद आता है आपका HDLC HDLC का फुल फॉर्म होता है हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल्स ये क्या करता है इट डिफाइन हाउ द डेटा विल इनकैप्सुलेट एट सीरियल लिंक करता तो वो भी है ये भी करता है डन और HDLC के 2 हैं एक तो है ओपन स्टैंडर्ड HDLC ओपन स्टैंडर्ड डन और एक है सिस्को प्रोप्राइटरी जो सिस्को प्रोप्राइटरी है उसके अंदर क्या है आपकी प्रोप्राइटरी के अंदर 2 ये आपकी इट कंटेन 2 bytes प्रोटोकॉल टाइप फील्ड जो हम पहले देख रहे थे ये तो ओपन स्टैंडर्ड PPP है सेम इट इज है सिस्को HDLC फ्लैग एड्रेस कंट्रोल प्रोटोकॉल टाइप फील्ड डेटा फ्रेम चेक सीक्वेंस डन ओके ये दिखा रखा है HDLC फ्रेम स्ट्रक्चर ओके नेक्स्ट क्या था आपका फ्रेम रिले की हमें क्या जरूरत पड़ी जैसे हम किसके केस में लेते हैं ओके फ्रेम रिले हमने समझना है इसको थोड़ा सा किस पे डाल देते हैं वेटिंग पे हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या है एक PC है और हमारे पास कितने PC हो गए 2 वी वॉन्ट टू कनेक्ट दैम तो क्या करेंगे हम बताओ कर दिया एक केबल लाए केबल का नाम होगा क्रॉस केबल लाए यानी क्रॉस केबल का सिंबल कुछ इस तरह से होता है ठीक है ये क्रॉस केबल का होता है ये स्ट्रेट केबल का होता है ठीक है ओके तो हमने क्रॉस केबल से उन्हें क्या कर दिया कनेक्ट 2 PC थे तो कनेक्ट कर दिया अब यहाँ PC 2 नहीं है हमारे पास PC हैं PC 1 से लेके PC 200 अब बताओ कैसे करेंगे क्या चाहिएगा कनेक्ट हाँ क्रॉस केबल मेरे पास 200 PC हैं अब मेरे को इन्हें एक दूसरे से कनेक्ट करना है क्या मैं 200 को एक से कनेक्ट कर सकता हूँ नहीं क्या चाहिएगा इंटरमीडिएटर
हाँ हमें चाहिएंगे स्विच चाहिएंगे। अगर आप 48 का यूज़ कर रहे हो तो वो एटलीस्ट हमें कितने चाहिएंगे, 5, और उन्हें कनेक्ट करना है तो 6 भी चाहिए हो सकते हैं। ओके, इस तरह से हम क्या कर देंगे, उन्हें कनेक्ट कर देंगे 1 to 200। हो गया कनेक्ट। ओके, अब जैसे मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, स्विच। ये हो गया किसके केस में, पीसी के केस में। अब आते हैं हम किस पे, जो हमने वेटिंग पे डाला था, फ्रेम रिले। फ्रेम रिले पे हमें क्या करना है, ओके, फ्रेम रिले, आपके पास एक राउटर है, आपको कनेक्ट करना है दूसरा राउटर, तो उसके पास एक सीरियल इंटरफेस होता है, वेन लिंक, कनेक्ट कर दिया, सीरियल इंटरफेस, इसका भी क्या होगा, एक हो गया कनेक्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं, दो थे आसानी से कनेक्ट हो गए। लेकिन वही एग्जांपल, अब हमारे पास ब्रांचेस या राउटर दो नहीं है, वी हैव राउटर्स, और राउटर्स की क्वांटिटी कितनी हो गई, 200। वही अब 200 को कनेक्ट करना है तो कितने चाहिए हमें, हाउ मेनी इंटरफेसेस वी रिक्वायर्ड, 200 सीरियल। लेकिन एक राउटर के पास 200 सीरियल कभी नहीं होते, देन पक्का ना, ओके। इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें इस पे सिंगल नहीं, हमें जैसे स्विच यूज़ करते हैं ना, उस राउटर को हम कनेक्ट करेंगे फ्रेम रिले नेटवर्क से, और उस फ्रेम रिले नेटवर्क से राउटर 2, राउटर 3 और राउटर कितने तक कनेक्ट कर सकते हो, जितना आपने करना है, मतलब स्विच जैसा ही है फ्रेम रिले। फ्रेम रिले एक सर्विस है जो हमें मल्टी एक्सेस नेटवर्क देता है। मल्टी एक्सेस नेटवर्क का मतलब एक इंटरमीडिएटर हो गया, ये भी फ्रेम रिले भी एक स्विच होता है, ठीक है, स्विचिंग टेक्नोलॉजी है, लेयर 2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको, तो राउटर के लिए यूज करते हैं, राउटर के लिए। पीसीज, मल्टीपल पीसीज को कनेक्ट करना है, स्विच है, मल्टीपल राउटर्स को कनेक्ट करना है तो फ्रेम रिले, डन। तो फ्रेम रिले क्या है, ए नेटवर्क एक्सेस लेयर प्रोटोकॉल, वो तो हम पहले ही बता चुके। इट प्रोवाइड्स अस ए मल्टी एक्सेस नेटवर्क, क्या मल्टी एक्सेस नेटवर्क नहीं है ये, सभी एक दूसरे को जब चाहें तब कम्युनिकेट कर सकते हैं। मल्टी एक्सेस नेटवर्क, इट मीन्स दैट मल्टीपल डिवाइसेस कैन एक्सेस द नेटवर्क एट सेम टाइम, पक्का, ओके। तो इसका हेडर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, अब उसको समझने के लिए यहीं पे ही बना लेते हैं। जो भी आपका फ्रेम होगा, वही ये याद रखना, जब भी किसी के अंदर इनकैप्सुलेट होता है ना लेयर 2 के अंदर, तो फ्रेम रिले हेडर लगेगा और फ्रेम रिले ट्रेलर लगेगा। डेटा तो होना ही होना है, इसके अंदर होगा जो इम्पोर्टेंट है वो ले लेते हैं, DLCI FECN BECN DE, डिस्कार्ड एज एलिजिबिलिटी, और FCS, डन, ओके। 10 बिट्स, ये बिट्स में होता है, 10 बिट्स 111 1500 और ये 4 बाइट्स, डन। तो इसी को ही पढ़ लेते हैं, ये DLCI। अब DLCI अभी तो इतना ही याद रखो कि जब भी डेटा फ्रेम रिले के अंदर इनकैप्सुलेट होगा तो फ्रेम रिले हेडर होगा और फ्रेम रिले क्या होगा, ट्रेलर होगा। हेडर के अंदर DLCI होगा, डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर, फॉरवर्ड एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन, बैकवर्ड एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन, डिस्कार्ड एलिजिबिलिटी, डेटा का मतलब आपका पैकेट, और फ्रेम चेक सीक्वेंस तो आपको पता है 4 बाइट्स का होता ही है एरर डिटेक्शन के लिए, डन, पक्का, ओके। ये दोनों यूज होते हैं कंजेशन नोटिफिकेशन के लिए, कंजेशन नोटिफिकेशन के लिए। अब जैसे कि R1 था, कनेक्टेड था फ्रेम रिले से, और ये कनेक्टेड था R2 से और R3 से, ओके। अब लिंक तो एक ही है ना, अब हमें कैसे पता कि इसके पास जाना है या इसके पास जाना है, तो स्विच होता तो मैक एड्रेस होता,
यहाँ पे इन कम्युनिकेशन के लिए क्या डिफाइन किया जाता है, DLCI, फॉर एग्जांपल 102.201, 103.301 और ये 203.302। आ गया कुछ समझ में? एक नंबर दे दिया फॉर एग्जांपल 102, यानी R1 से कहाँ जा रहे हैं, R2 को कहाँ जाना है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से भेजेगा, यूज़ करेगा DLCI, डेटा लिंक कनेक्शन, 102 क्या कर देगा उसको, इसका मतलब है कि इसे R2 पे भेजना है, तो कहाँ चला जाएगा, R2 पे। ये यूज़ करेगा 103 कि कहाँ जाना है, R3 पे। जिसे कम्युनिकेट करना है 1 से, तो वो कितना लगाएगा, 201। इसको यहाँ जाना है तो 203। सभी के पास अलग अलग नंबर होगा ये डिफाइन करने के लिए कि किसको जाना कहाँ है, डन। उसको DLCI कहते हैं, डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर। डन डन, ओके। फिर नेक्स्ट क्या है, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, ए टेलीकम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट डिफाइंड बाय ANSI एंड ITU स्टैंडर्ड फॉर कैरेज ऑफ कंप्लीट रेंज ऑफ यूजर ट्रैफिक। आपके पास जब भी आप वेन कनेक्टिविटी की बात करोगे तो हमारे पास ऑप्शन होंगे, R1 को जब भी किससे कम्युनिकेट करना है, R2 से, सबसे पहला होता है आपका लीज्ड लाइन, सिंगल ही होगा, दूसरा होगा फ्रेम रिले, और तीसरा होगा ये आपका ATM। डन, गॉट इट और नॉट? वही है एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, ए टेलीकम्युनिकेशन, हाँ, डेटा लेके जाएगा, टेलीकम्युनिकेशन होगा जो कि ANSI और ITU के द्वारा डिफाइन किया जाता है, जो लेके जा सकता है वॉइस वाला ट्रैफिक भी, डेटा ट्रैफिक भी, वीडियो सिग्नल भी, लेकिन वहाँ पे फ्रेम बनते हैं, बट इट कैरी सेल्स, इस पे जो सेल्स वहाँ डेटा कहते हैं, यहाँ सेल बोलते हैं। डन, अगर सेल का देखना तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा। इसके बारे में ज़्यादा क्यों नहीं बताते, क्योंकि ये रेयरली यूज़ होता है, रेयरली। डन, ओके। फिर दूसरी हमारी आती थी इसके अंदर कौन सी, इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर क्या है, इन TCP/IP मॉडल, ठीक है, इन TCP/IP मॉडल OSI नेटवर्क लेयर इज कॉल्ड इंटरनेट लेयर। डन, ओके। इस पे वर्क करने वाले प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं, ICMP, IGMP, EIGRP, OSPF, VRRP, GRE, IS. डन, दीज आर द सम प्रोटोकॉल्स ऑफ इंटरनेट लेयर। डन, पढ़े सबसे पहले कौन सा, ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ये इसका फुल फॉर्म है। इट इज़ यूज्ड बाय नेटवर्क डिवाइसेस के द्वारा यूज होता है, जैसे कि लाइक राउटर, स्विचेस, फायरवॉल, पर्सनल कंप्यूटर्स, टू चेक रीचेबिलिटी। डन, इट यूज IP प्रोटोकॉल नंबर 1। डन, जब भी हमें देखो, हमें किसी से कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए स्टार्ट रन फिर से बना लेते हैं। यहाँ पे हमने बनाया PC1 जो कि कनेक्टेड है स्विच से कनेक्टेड है, और अनदर है PC2। हमें यहाँ डेटा भेजना है, तो डेटा तो तब भेजेंगे ना, तब हम देखेंगे क्या ये एक दूसरे से रीचेबल है। ये तो तुम्हें पता है ना, कनेक्टेड है। मान ले कुछ कोई और दिक्कत हो तो पता करेंगे ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पिंग और अपोजिट का IP एड्रेस, ऐसे ही चेक करते हैं ना रीचेबिलिटी। ये हो गया 101.1, ये हो गया 101.2, तो हम लिखेंगे पिंग 102। कनेक्टिविटी होगी तो ये उसको, ये इको क्या भेजेगा, इको रिक्वेस्ट भेजेगा, और ये उसको क्या दे देगा, इको रिप्लाई। ये जब पिंग भेजते हैं तो वो इको रिक्वेस्ट भेजता है और वो इको रिप्लाई भेज दिया, पता चल गया इसको, ठीक है, रीचेबिलिटी है, बाद में जो डेटा लेना देना है लो। डन, नेक्स्ट क्या है, IGMP, इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, इज ए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय होस्ट एंड राउटर्स टू जॉइन और लीव मल्टीकास्ट ग्रुप। डन,
मल्टीकास्ट ग्रुप, ये हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी हमें डेफिनेशन ही इनकी याद रखनी है। जैसे हम फर्स्ट क्लास में पढ़ते थे ए फॉर एप्पल, देन पढ़ते थे ना, ओके। तो इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल इज ए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय होस्ट एंड राउटर्स, इतना याद रखो, टू ज्वाइन और लीव मल्टीकास्ट ग्रुप, एंड इट यूज आईपी प्रोटोकॉल नंबर 2, डन। जीआरई, जीआरई जेनरिक राउटिंग इनकैप्सुलेशन, इट इज ए सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल, इट इज ए लेयर 3 प्रोटोकॉल, इट इज ए लेयर 3। इफ यू विल टॉक अबाउट ओएसआई मॉडल, तो ये किस लेयर पे आता है, 3 पे। टीसीपीआईपी की बात करोगे तो ये नेटवर्क लेयर का है, डन, ओके। इट हैज़ नो सिक्योरिटी मैकेनिज्म, इसके पास कोई सिक्योरिटी मैकेनिज्म नहीं होता। इट यूज आईपी प्रोटोकॉल नंबर 47, डन, इसका 47 होता है। जीआरई हेडर, इसमें से समझ में नहीं आता है तो हम इसका खुद बना देते हैं, सिलेक्ट ऑल। पैकेट जब भी ओरिजिनल जो पैकेट होगा उस पे क्या लग जाएगा आपका, यहाँ पे पैकेट, पैकेट पे लग जाएगा आपका जीआरई हेडर, ओके। जीआरई हेडर के अंदर क्या होगा, इसके अंदर होता है आपका एक्सटर्नल आईपी, 20 बाइट्स का क्या लगता है, 20 बाइट्स, और फ्लैग एंड प्रोटोकॉल टाइप, 20 बाइट्स एक्सटर्नल आईपी एड्रेस, 2 बाइट्स फ्लैग एंड 2 बाइट्स प्रोटोकॉल टाइप फील्ड, डन, यही यहाँ दिखाया है। जब भी हम बात करेंगे तो ये तो होगा डेटा, जो भी होगा उस पे 20 बाइट्स का एक्सटर्नल आईपी एड्रेस, 2 बाइट्स फ्लैग एंड 2 बाइट्स प्रोटोकॉल टाइप फील्ड, डन। ये स्ट्रक्चर है, मतलब इंटायर डेटा पे क्या लग जाएगा, बताया, इसमें बताया भी होगा यहाँ पे कि इट एट 24, नहीं बताया, आगे बता देंगे, मतलब अभी इतनी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसलिए नहीं बताया। जीआरई क्या करता है, इट ऐड 24 बाइट्स एक्स्ट्रा, बाइट्स एक्स्ट्रा हेडर, 24 हो गए ना, 20 प्लस 2 प्लस 2 24 बाइट्स, डन, ओके। नेक्स्ट आईपी भी था, आईपी हेडर स्ट्रक्चर, यानी कि जब भी आपको बताया था कि हमारे जो वो होंगे डेटा एक पीसी से दूसरे पीसी पे जाएगा तो कौन कौन सी लेयर होती हैं, फिजिकल, डेटा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन एंड प्रेजेंटेशन, और इन पे तो क्या होगा, डेटा। जब उसी डेटा पे क्या लगेगा, टीसीपी या यूडीपी का हेड लगेगा, तो वो क्या बनेगा, सेगमेंट, और जब उसी सेगमेंट पे क्या लगेगा, आईपी हेडर, जो कि कितने का होगा, 20 बाइट्स का होगा, तो 20 बाइट्स का कुछ इस तरह से होगा, डन। सबसे पहले होगा वर्जन, वर्जन 4 है या 6 है, टोटल लेंथ ऑफ द हेडर, वैसे तो स्टैंडर्ड 20 बाइट्स होती है जो मैक्सिमम 60 बाइट्स तक एक्सीड हो सकता है, 60 बाइट्स 60, डन। प्रायोरिटी, ये क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए होती है, डन। देन टोटल लेंथ, अब टोटल लेंथ कितना है, पैकेट प्लस हेडर, 16, ये 2 बाइट्स हो गया, 16 बिट्स है, 0 से लेके 15 2 बाइट्स हो गई, और 16 से लेके 30 या 31 जो भी आपका है कितना हो गया, अनदर 2, 4 होगी, डन। 4 × 4 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 16 = 4 × 5 = 20 हो गए 20, ये ऑप्शनल है, बोला था कि आपका ऑप्शनल एक्सटेंडेड होके 40 तक जा सकता है, डन, क्लियर। तो
वर्जन 4 है या 6, हेडर लेंथ क्या है, 20 से लेके 60 तक के बीच में, क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए यूज़ होगा, टोटल लेंथ ऑफ द पैकेट इंक्लूडिंग हेडर एंड डेटा, आइडेंटिफिकेशन को आप छोड़ सकते हो, फ्रैगमेंट ऑफ सेट, फ्रैगमेंट ऑफ सेट का मतलब है कि हमें पता है अगर इफ़ ही है सेगमेंटेशन क्या होता है, ब्रेकिंग ए बिग सेगमेंट इनटू स्मॉलर सेगमेंट इज कॉल्ड सेगमेंटेशन, लेकिन नेटवर्क लेयर पे एक पैकेट आता है उस पैकेट का साइज बड़ा है, उस पैकेट का साइज बड़ा है तो वो फ्रैगमेंट ऑफसेट, उसको फिर छोटे छोटे पैकेट में तोड़ा जाएगा, तो ब्रेकिंग ए बिग सेगमेंट इनटू स्मॉलर सेगमेंट दैट इज कॉल्ड सेगमेंटेशन, और ब्रेकिंग ए बिग पैकेट इनटू स्मॉलर पैकेट इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। सेगमेंट को तोड़ना, सेगमेंट को तोड़ना सेगमेंटेशन कहलाता है, और एक बड़े पैकेट को छोटे छोटे पैकेट में तोड़ना ये फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। डन, ओके। नेक्स्ट क्या है, टाइम टू लीव। मैं कोई आवाज़ इस रूम के अंदर बोल रहा हूँ तो अगर वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी तो एक ही आवाज़ घूमती रहेगी घूमती रहेगी घूमती रहेगी घूमती रहेगी, यस और नो, रिपीट होता रहेगा। हम एक बार दुनिया के अंदर आ गए, मरेंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो उसी तरह पैकेट के अंदर उसकी लाइफ टाइम सेट की जाती है, वो होता है TTL। TTL 8 बिट्स का है, 8 बिट्स का मतलब 255, 2 की पावर 8 तो 256 हो गए, तो 0 से लेके 255, यस और नो। जब भी कोई डिवाइस, मान के चलो एक PC अगर क्या भेजता है, कोई पैकेट भेजता है, तो उस पैकेट के अंदर 255 वैल्यू क्या कर देगा, सेट कर देगा। अब इसको एक राउटर अगर फॉरवर्ड करता है तो -1 कर देगा, कितना हो गया 254। दूसरा राउटर उसको फॉरवर्ड करता है फिर -1 कर देगा, 200 कितना हो गया 53। और कोई राउटर या लेयर 3 डिवाइस उसको फॉरवर्ड करती है, -1 कर देगा 252। डन, यानी कि एक पैकेट जब सेंड किया जाता है तो उसका एक लाइफ टाइम सेट कर दिया जाता है जो होता है 255 TTL, टाइम टू लिव। इसका मतलब ये है कि इसको 255 लेयर 3 डिवाइसेस के द्वारा फॉरवर्ड किया जाएगा। तब तक अगर ये डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचता है तो उसको जैसे ये TTL क्या हुआ 0, वहीं पे ही उस पैकेट को क्या कर दिया जाएगा, ड्रॉप। डन डन, मान के हाँ नहीं देखो ऐसा है, मैंने कोई पैकेट भेजा उसकी डेस्टिनेशन नहीं मिल रही है तो वो घूमता ही घूमता रहेगा। अब ये क्या मतलब है घूमता ही रहे, बैंडविड्थ खाएगा, तो उसका एक डेडलाइन सेट कर सकते हैं। नहीं आया समझ में कि तुम अगर 55 राउटर के द्वारा फॉरवर्ड, 255 राउटर के द्वारा फॉरवर्ड किए जाओगे, यानी तुम्हारा लाइफ टाइम है 255 वोट्स। जब भी आप किसी भी लेयर 3 डिवाइस से गुजरोगे तो वो आप में से -1 कर देगा। डन, क्लियर हुआ ना, पक्का सच में? हाँ, सीधा सा है, हमारी उम्र 100 साल है ना, 100 साल से ज़्यादा तो एक्सीड नहीं करते ना, ये भी ज़्यादा बोल दी, पहले ही निपट लेते हैं, आया ना। तो जैसे हम फॉरएवर नहीं है, पैकेट भी फॉरएवर नहीं है, हम कोई पैकेट भेज रहे हैं तो वो पैकेट केवल TTL वैल्यू 255 के साथ जाएगा, बाय डिफॉल्ट PC 255 के साथ भेजेगा। अगर वो TTL वैल्यू ड्यू टू एनी रीज़न कब होगा, जब वो 255 हो क्रॉस कर चुका होगा, जैसी वो वैल्यू 0 हुई तो उस पैकेट को वहीं पे क्या कर दिया जाएगा, ड्रॉप कर दिया जाएगा। नेक्स्ट था प्रोटोकॉल टाइप फील्ड। प्रोटोकॉल टाइप फील्ड तुमने सुना हो और देखा होगा, हेडर्स में पहले भी आया था प्रोटोकॉल टाइप फील्ड, प्रोटोकॉल टाइप फील्ड, प्रोटोकॉल टाइप फील्ड। ये प्रोटोकॉल टाइप फील्ड है क्या, जब भी डेटा या XYZ को पे क्या लगता है, कोई भी हेडर लगता है तो वो जानना चाहता है अंदर क्या है, डेटा जानना। हाँ, गॉट इट और नॉट? जैसे कि जब भी किसी भी लेयर पे डेटा को इनकैप्सुलेट किया जाता है तो वो जानना चाहता है कि अंदर है क्या, अंदर है क्या। तो फॉर एग्जांपल यहीं पे कर लेते हैं अभी बात है, जैसे हमने बताया था अभी जो ICMP है उसका 1 है, IGMP है उसका 2 है, उसके बाद आता है TCP का होता है 6, UDP का होता है 17,
डन। फिर होता है आपका जी आर ई 47, 47 डन, गॉट इट। ई आई जी आर पी होता है 88, ओ एस पी एफ 89 और वी आर आर पी होता है 112। तो कहने का मतलब ये है, मान के चलो आपने क्या भेजा, आई सी एम पी का डेटा भेजा, आई सी एम पी के डेटा पे क्या लगा, आई पी हेडर लगा, आई पी हेडर लगा, तो इसको पता होना चाहिए अंदर क्या है, तो वो कितना लिख देगा, वन का मतलब। फिर आपका कौन सा डेटा जा रहा है, आई जी एम पी, कौन सा जा रहा है, आई जी एम पी, आई जी एम पी पे आई पी हेडर लगेगा, तो आई पी हेडर को पता करना है अंदर क्या है, तो कितना लिख देगा, टू। जब भी टी सी पी के डेटा पे टी सी पी का आ रहा है और टी सी पी पे आई पी तो लगेगा ही लगेगा, तो क्या लगेगा, सिक्स। और फिर से क्या लगेगा, ये आपका कौन सा आ रहा है, यू डी पी, आई पी हेडर लगेगा, अब कितना लिखेगा, 17। लेकिन ये हेग्जा में होता है, तो हेग्जा में 17 का मतलब कितना हो गया, पक्का। तो यही है वो प्रोटोकॉल टाइप फील्ड जिसकी हम बात कर रहे थे, कि जब भी एक डेटा को इनकैप्सुलेट किया जाता है किसी आई पी हेडर के अंदर या अनदर प्रोटोकॉल के अंदर, तो वो जानना चाहता है कि भैया अंदर लेके क्या जा रहे हैं हम, हाँ आई पी जानना चाहता है कि मैं लेके क्या जा रहा हूँ, तो वो डिफाइन करता है प्रोटोकॉल टाइप फील्ड, डन। फिर है आपका चेकसम, चेकसम चेकसम वही है इंटीग्रिटी के लिए, आपने एक, ठीक है डेटा तो डेटा ठीक है, ये आपका हो गया डेटा, ये आपने 20 बाइट्स का क्या लगा दिया, आईपी हेडर, अब इसके अंदर डेटा में किसी ने छेड़छाड़ नहीं की, किस में छेड़छाड़ कर दी, आईपी हेडर में, तो आईपी हेडर को भी फिर से किसके अंदर डाला जाता है, एक हैश एल्गोरिदम के अंदर, उसका एक प्रोडक्ट निकलता है और उस प्रोडक्ट को किस में रख दिया जाता है, चेकसम के अंदर रख दिया जाता है। जब कोई डिवाइस रिसीव करेगा तो डेटा के साथ साथ आईपी हेडर को भी वेरीफाई करेगा, फिर से उसको हैश में डालेगा, हैश में डालने का हैश प्रोडक्ट निकलेगा, दोनों का हैश सेम आया तो इसका मतलब ये डेटा के हेडर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, अगर हुआ तो फिर ड्रॉप, हाँ खत्म, कहानी खत्म, दोनों साइड से चेक, हाँ जब भेजने वाला भी और रिसीव करने वाला, डन। बाकी आपका सोर्स आईपी एड्रेस 32 bits, 32 bits डन, ऑप्शनल। फिर आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का सेगमेंट, ऑप्शनल बोला था ना कि चार एक चार, चार दुनिया चार, तीन बारह चार, चौक 16, चार पंजे 20, 20 बाइट का स्टैंडर्ड, अगर ऑप्शनल कोई है तो डन, अगर नहीं लेता तो नहीं है तो जीरो 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 डन। यही यहाँ पे दोबारा से बताया गया है कि IPv6 का वही वर्जन, हेडर लेंथ, टाइप्स, टाइप्स ऑफ क्वालिटी ऑफ टोटल लेंथ, इसको छोड़ो, फ्रेगमेंट ऑफ सेट, टाइम टू लिप प्रोटोकॉल, हेडर, चेकसम, सोर्स, डेस्टिनेशन, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डन। हाँ वही कलरफुल था इस बार, डन। नेक्स्ट क्या है, EIGRP, अभी हम पढ़ रहे थे यहाँ पे कि नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल, ये EIGRP क्या है, तो EIGRP ये चल रहा है ना अपना, ओके। EIGRP का फुल फॉर्म होता है एनहांस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, इट इज़ एन इंटीरियर गेटवे क्लास लेस एनहांस्ड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, इट्स आईपी प्रोटोकॉल नंबर इज 88। मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसका आईपी प्रोटोकॉल नंबर कितना होगा, 88 होगा, और ये जब डेटा भेजेगा इट सेंड्स मल्टीकास्ट हेलो एट 224.0.0.10 डन, 224.0.0.10 आएगा अभी थोड़ा सा, ठीक है। फिर उसके बाद OSPF का पता ही, ओपन सोर्स टेस्ट पाथ फर्स्ट, ये भी इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है। OSPF का IP प्रोटोकॉल नंबर कितना होता है, 89 होता है, और ये मल्टीकास्ट एड्रेस 5 और 6 पे भेजता है, हेलो डन, 5 और 6 दो पे डन। फिर है ISIS, इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम, ये भी OSPF का ब्रदर है, इंटीरियर गेटवे क्लास लेस लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, और इसका IP प्रोटोकॉल नंबर होता है 131, हेक्सा में बात करें तो 83, हेक्सा डेसिमल में होता है ना प्रोटोकॉल टाइप फील्ड, तो कितना हो गया, 83 हो गया ना, 16, 128 और 3, 131 डन, ओके। नेक्स्ट VRRP,
और ERRP का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल राउटर रिडेंडेंसी प्रोटोकॉल। ये क्या है? ये एक Layer 3 प्रोटोकॉल है, इट प्रोवाइड्स फर्स्ट हॉप रिडेंडेंसी। ये क्या है हम डिस्कस बाद में करेंगे, अगर अभी करेंगे तो फिर हम इसकी बातें करेंगे, ना कि अपने ये TCP/IP मॉडल की। इसका अलग चैप्टर है लास्ट में 17, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, देन इट्स IP प्रोटोकॉल नंबर इज 112 एंड इट इज़ एन ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। डन। उसके बाद क्या आ गया? ट्रांसपोर्ट लेयर पता है हमें। ट्रांसपोर्ट लेयर इज़ द फोर्थ लेयर ऑफ OSI मॉडल। हाँ बिल्कुल सही है, अगर हम डायग्राम पे जाएं फोर्थ लेयर है, बट ये थर्ड लेयर है TCP/IP में। डन। इट प्रोवाइड्स एंड टू एंड कनेक्टिविटी सो दैट डिवाइसेस कैन सक्सेस सेंड एंड रिसीव डेटा। इट यूज टू टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल, कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड। पढ़ा था ना? ओके, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। TCP का हेडर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। सोर्स पोर्ट, आपको बताया था कि जब भी कोई डिवाइस डेटा भेजेगा, यानी कि हम कंजूसी नहीं करते हैं वरना तुम कह दोगे फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं। हमने बात की थी कि एक होगा इनिशिएटर और एक क्या होगा रिस्पोंडर, ऐसा ही कुछ था। डन। ओके, तो जब ये इनिशिएट करेगा तो ये यूज करेगा 120, अरे हिट करेगा किसको? 80 को। तो ठीक है, सोर्स पोर्ट, सोर्स पोर्ट कितना हो जाएगा? डेस्टिनेशन पोर्ट नहीं 60 नहीं 80 1024 सोर्स पोर्ट हो गया और डेस्टिनेशन पोर्ट हो गया। जब इधर से पैकेट चलेगा तो इधर से सोर्स हो जाएगा 80 और डेस्टिनेशन हो जाएगा 1024। कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्का? ओके, सीक्वेंस नंबर, जो हम डेटा भेज रहे हैं, जैसे उस दिन हमने एग्जांपल लिया था 10K वाला, डेटा के हमने हज़ार हज़ार के चंक्स बनाए थे और उनकी सीक्वेंस एक से लेके 1000 तक बनाई थी, फिर 1000 एक से लेके 2000 तक बनाई थी। उसी तरह सीक्वेंस नंबर क्या है? जब ये डेटा भेजेगा तो उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर। डन। फिर हेडर लेंथ क्या है? जो भी आपका ये क्या नाम है TCP का, ये याद रखना, जो IP होता है वो भी 20 बाइट्स का होता है, TCP होता है वो भी 20 बाइट्स का होता है, UDP जो होता है वो 8 बाइट्स का होता है। ठीक है, तो हेडर लेंथ क्या है? ये रिजर्व है, रिजर्व के अंदर, यानी कि रिजर्व में क्या हम बात, ठीक है अभी इसको इतना रहने दो। कोड बिट्स रिजर्व होगा, कोड बिट्स होगा विंडो साइज। बताया था आपको कि अगर हम 1000 बिट भेज के वेट करेंगे, फिर 1000 बिट भेज के वेट करेंगे, फिर 1000 बिट भेज के वेट करेंगे, तो ये स्लो हो जाएगा। तो उसके लिए एक विंडो साइज डिसाइड कर दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल 4K। 4K का मतलब है कि जब वो पहले 4000 बाइट्स भेज देगा तो वो वेट करेगा, वही यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा। चेकसम, अब हमें लेयर 4 का भी चेक करना है कि TCP के अंदर कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई है, तो वो क्या होगा आपका? चेकसम के अंदर डाल दिया जाएगा, वही TCP हेडर का एक हैश निकाला जाएगा, हैश को चेकसम में डाल दिया जाएगा, रिसीविंग जब रिसीव करेगा तो फिर से वेरीफाई कर लेगा। डन। चेकसम वही इंटीग्रिटी। IP हेडर में अभी हमने बात की थी या नहीं की थी? ये किधर हेडर चेकसम, वही। डन। ओके, फिर उसका अर्जेंट, अर्जेंट का मतलब ये है, मान के चलो आपको डेटा भेजना है, दैट इज़ टू अर्जेंट, तो इसमें अर्जेंट हेड का पॉइंटर इंडिकेट कर देंगे, जो कि डिवाइस और डेटा आया है तो वो इंडिकेट करेगा IM अर्जेंट, तो वो उसको फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, बाकी आपका डेटा वो हो ही गया अंदर वाला। डन, गॉट इट। तो जो TCP हेडर होता है उसमें सोर्स पोर्ट होता है, उसमें डेस्टिनेशन पोर्ट होता है, उसमें सीक्वेंस नंबर होता है, उसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है, हेडर लेंथ होता है, विंडो साइज होता है, चेकसम होता है और डेटा वगैरह होता है। डन। उसके बाद आता है अपना ट्रांसपोर्टर का UDP। डन। तो UDP ज़्यादा बड़ा नहीं है, 80 बाइट्स का बताया था, 4 और 4 8। सोर्स पोर्ट कौन सा होगा? डेस्टिनेशन पोर्ट कौन सा होगा? लेंथ कितनी है? चेकसम, और फटाक से डेटा। देखा ना, ज़्यादा झंझट नहीं है, इसीलिए वॉइस के डेटा को भेजने के लिए सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट ख़त्म करो, सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन लेके जा। नहीं
नहीं, रिपीटेशन नहीं होता। टीसीपी में टीसीपी में डेटा नहीं रिसीव हुआ तो रिट्रांसमिट हो जाएगा। एक बात बोलो, आपने कुछ बोला तो आप सेम चीज़ कैसे बोल सकते हो, समझ रहे हो ना? आप 1 घंटे से कोई चीज़ बोल रहे हो, अब कह दो कि एज इट इज़ दोबारा ट्रांसफ़र करो, तो हाउ इट्स पॉसिबल? मतलब इसका एक्नॉलेजमेंट नहीं होता नहीं, यूडीपी उसका का नहीं। और क्या टीसीपी का नहीं क्या जो मैं बोल रहा हूँ उसकी मैं एक्नॉलेजमेंट ले रहा हूँ तुमसे? होता। फिर डन। अब बात आती है एप्लीकेशन एप्लीकेशन लेयर। सर एप्लीकेशन लेयर का अगर हम देखते हैं तो 7th लेयर है, फोर्थ लेकिन यहाँ पे कितनी है? फोर्थ लेयर लेयर, 7th लेयर, बट इन इट इज़ अ फोर्थ लेयर इन TCPIP मॉडल। इट इज़ द सेशन कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेजेंटेशन सेशन प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। डन। यहाँ पे प्रोटोकॉल्स होते हैं FTP, फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। इट इज़ यूज टू सेंड रिसीव फाइल। इट यूज़ पोर्ट नंबर TCP पोर्ट नंबर 2120। इट हैज़ 2 मोड, एक्टिव मोड एंड पैसिव मोड। अभी इतना ही याद रखना है, ज़्यादा नहीं। फिर होता है SSH का, तो पता होगा ना SSH, सिक्योर सेल? नहीं पता, छोड़ो, नहीं पता तो बता देंगे। सिक्योर सेल एंड एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। इट इज़ यूज टू गेट रिमोट एक्सेस इन ए सिक्योर वे वाया CLI। अभी बताएंगे, अभी इतना याद रखो कि SSH रिमोट एक्सेस के लिए यूज़ होता है, और इसका पोर्ट, ये क्या नाम है, 22 नंबर होता है। डन। रिमोट एक्सेस के लिए रिमोट एक्सेस के लिए टेलनेट। टेलनेट एंड एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। इट इज़ यूज टू गेट रिमोट एक्सेस, ये भी रिमोट एक्सेस के लिए होता है, और इसका इसका पोर्ट पोर्ट तेईस नंबर है। 23 होता है। डन। SMTP तो सुना होगा, सिंपल SMTP मेल हाँ ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एप्लीकेशन लेयर उसका सेंड प्रोटोकॉल। मेल इट इज़ यूज टू SMTP सेंड मेल एंड इट्स पोर्ट नंबर इज 25। टकेक्स, टेक्स टर्मिनल एक्सेस कंट्रोलर, एक्सेस कंट्रोल सर्वर। टकेक्स वॉज इन्वेंटेड बाय डॉट, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ऑफ USA। टकेक्स प्लस वॉज इंट्रोड्यूस बाय सिस्को एंड इट यूज TCP पोर्ट नंबर 49। सिस्को IUS पोर्ट टकेक्स प्लस। डन। को डिफेंस सर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ऑफ डिफेंस USA। डन उन्होंने लॉन्च डन 49। 49 ओके, DNS तो DNS पता ही होगा, पता है डोमेन नेम सिस्टम एंड एप्लीकेशन क्या लेयर होता है प्रोटोकॉल। यूज IP फॉर नेम रेजोल्यूशन फ्रॉम नेम टू IP एंड IP टू नेम। इट यूज TCP एंड UDP पोर्ट नंबर 53। 53 वाई DNS? DNS की ज़रूरत क्यों है उसको हम अब यहाँ पे समझ लेते हैं। ओके, ये स्विच हो गया, स्विच के अंदर हमारे क्या हो गए, सर्वर। डन। ओके, हमारा IP है 101.1, इसका 101.2, इसका 101.3। ये तो मेरी नेटवर्क के अंदर है, मेरे को पता है कि किसका क्या IP है। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ की, नहीं, हम बात करते हैं राउटर की। राउटर कनेक्ट हुआ है ISP से, और ISP पे तो थाउजेंड्स और बिलियन सर्वर्स हैं। अब बताओ मेरे को किस किस का IP याद रखोगे? नहीं नहीं, होगा नहीं हमको होता पता ही ना। नहीं। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? DNS सर्वर। यहाँ पे एक सर्वर बना देंगे, और वो DNS सर्वर होता है आपका पब्लिक भी होता है, और आप अपने कंपनी का प्राइवेट भी बना सकते हो। उस पब्लिक सर्वर पे क्या होता है कि जब भी कोई नया सर्वर बनता है ना, तो वो उस सर्वर पे उसका IP एंड नेम की रजिस्ट्रेशन हो जाती है। डन। अब जब ये रिक्वेस्ट भेजेगा किसी भी नेम के लिए, वो DNS सर्वर के पास भेजेगा, DNS उसका रिस्पॉन्स इसको दे देगा, फिर वो उस सर्वर को रिक्वेस्ट भेज देगा। ISP को हाँ, तो नाम आसान हुआ ना, जैसे आसान Trainonic.com, Google.com। डन। तो नाम आसान है, तो हम नाम की रिक्वेस्ट, ऑल सर्वर्स रजिस्टर्ड देयर नेम एंड IP एड्रेस टू द DNS सर्वर। देन व्हाट हैपेंड, क्लाइंट्स मेक ए रिक्वेस्ट टू DNS, डेडिकेटेड DNS सर्वर, दैट व्हाट इज द IP ऑफ दिस नेम, देन इट प्रोवाइड्स नेम रेजोल्यूशन। डन। DNS चला IP फिर हर IP में डालना पड़ेगा हर PC में हाँ, बताना पड़ेगा, हमने डालना किया पड़ेगा। था ना जैसे हाँ नीचे हाँ डोम, वो जब सर्वर सर्वर वाला सर्वर बेस सर्वर नेटवर्किंग बेस किया था। डन। ओके, DHCP क्या है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल एंड एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। इट प्रोवाइड्स ऑटोमेटिकली IP एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे एंड DNS सर्वर IP एड्रेस, एंड इट यूज UDP पोर्ट नंबर 67 एंड 68। डन। जहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारे हाँ, आईपी क्योंकि 2 PC हैं तो हम IP दे सकते हैं, 2000 हैं तो हम IP नहीं दे देंगे, सकते तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ऑटोमेटिकली आईपी ऑटोमेटिकली DHCP। डन। TFTP, ट्रेवल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और एंड एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। यूज टू टेक में बैकअप एंड रिस्टोर नेटवर्क नेटवर्क डिवाइसेज कॉन्फ़िगरेशन एंड IOS। आईपी नेटवर्क डिवाइसेज की कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप लेना है,
iOS का बैकअप लेना है तो आप FTP या TFTP में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हो। डन, TFTP यूज़ करेंगे बैकअप लेने के लिए। डन, और ये यूज़ करता है 69। डन, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देखो बनाने वाले ने जो जैसा बना दिया वो वैसा ही है, ये UDP पे बनाया है। डन, नेक्स्ट क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये पोर्ट नंबर 80 होता है और वेब ब्राउजिंग के लिए यूज होता है। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एंड एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, इट इज़ यूज टू रिसीव मेल फ्रॉम रेम सर्वर लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर, इट यूज TCP पोर्ट नंबर 102 एंड 10। POP2 109 यूज करेगा एंड POP3 110 करेगा। देन पोस्ट ऑफ, हाँ पॉपअप ब्लॉक वो नहीं, नहीं ये अलग है। डन, अरे तुमने मेल भेजा, भेजने के लिए SMTP है, अब एक्सेस करोगे तुम पे जो आई है तो उसके लिए POP3 यूज होता है। मेल डन, NTP नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल एंड एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, इट इज़ यूज टू सिंक्रोनाइज टाइम बिटवीन नेटवर्क डिवाइसेज लाइक राउटर, स्विचेस, फायरवॉल, AP, वायरलेस लैन कंट्रोलर एटसेट्रा, इट यूज UDP पोर्ट नंबर 123। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल एंड एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, इट इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ POP2 एंड POP3, इट यूज पोर्ट नंबर TCP पोर्ट नंबर 143। रिप्लेसमेंट क्यों हुआ? क्योंकि पोस्ट ऑफिस, इतना तो मैं प्रोटोकॉल के बारे में एक्सपर्ट नहीं हूँ एप्लीकेशन लेयर के बारे में, लेकिन इसको थोड़ा ऐसे कहेंगे जैसे RIP था, RIP का स्लोअर कन्वर्जेंस था, उसको रिप्लेस करने के लिए 15 होप तक सपोर्ट करता था, तो क्या लेके आए? EIGRP, OSPF, ISIS, इस तरह POP जो POP है उसके अंदर क्या नाम है, उसका बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है। अगर आपने POP यूज़ कर रहे हो, आपके पास कोई मेल आई है, POP यूज़ करेगा तो वहाँ से कट पेस्ट, वहाँ से कट मार लेगा और वहाँ से पूरा कट करके यहाँ पे पेस्ट कर लेगा। POP कॉपी पेस्ट, आया कुछ है? हाँ कुछ ऐसा है, रिप्लेसमेंट करता है। ठीक है, ठीक है। SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, इट इज़ ए पॉपुलर प्रोटोकॉल फॉर नेटवर्क मैनेजमेंट, इट इज़ यूज्ड फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस ऑफ सच राउटर्स, प्रिंटर्स, हब, स्विचेस एंड फायरवॉल्स ऑल्सो और एन इंटरनेट प्रोटोकॉल, इट यूज UDP पोर्ट नंबर 161 एंड 162। डन, अनदर इज सिक्योर SNMP, that is means a more secure version of SNMP, same configuration, same functionality, it use 10.161, 10.162 UDP. done. okay, X display manager control protocol, what is this? To understand it, okay, एक बात बताओ, जब पर्सनल कंप्यूटर आए थे सस्ते थे या महंगे थे? पर्सनल कंप्यूटर जब आए थे सस्ते थे या महंगे थे? पक्का ना? ठीक है, तो उन्होंने एक सॉल्यूशन लॉन्च किया कि एक होगा आपका PC, नहीं इसको बोलेंगे थिन क्लाइंट, और एक होगा डेडिकेटेड सर्वर। इस थिन क्लाइंट के अंदर क्या होगा? मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, डन, और कुछ नहीं। ये ऑन होगा, ऑन होने के बाद एक सर्वर के पास जाएगा और यूज़ करेगा UDP पोर्ट 177। डन, गॉट इट? ओके, खुद को रजिस्टर कर देगा, खुद को यानी के सीधी सी बात है, सेन समझते हो ना, सेन, सेंट्रलाइज डिवाइस पे जाके डेटा स्टोर करना। अब एक बात बताओ, मैं हर डिवाइस के अंदर हार्ड डिस्क लगाऊं, CPU लगाऊं, RAM लगाऊं, ठीक है, और पावर सप्लाईज लगाऊं, तो
यही तो होता है कैबिनेट, और होता क्या है डन। तो ये क्या होता है थिन क्लाइंट, ये डिस्कलेस होता है, नो हार्ड डिस्क, नो सीपीयू, नो रैम, नो पावर सप्लाई ऑफ कैबिनेट डन। तो ये क्या करते हैं, जो इंटायर कॉन्फ़िगरेशन और डिस्प्ले वो कहाँ से उठाते हैं, एक्स सर्वर से उठाते हैं। तो जब भी ये बूट होगा, खुद को रजिस्टर करेगा सर्वर पे, हिट करेगा 177 डन, फिर ये कहेगा तेरे को डिस्प्ले चाहिए, तो ठीक है TCP का कितना यूज़ करो, 6000, 6000 हिट करो। जैसे ही 6000 हिट करेगा, इसकी स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, डिस्प्ले आ जाएगा। वो उस डिस्प्ले पे काम करेगा जो कि इंटायर कॉन्फ़िगरेशन कहाँ हो रही है, इंटायर टास्क कहाँ हो रहा है, सर्वर पे हो रहा है। आया कुछ समझ में? तो इसके लिए हार्ड डिस्क सीपीयू कुछ ज़रूरत नहीं है, ये थिन क्लाइंट डिस्क लेस होता है, ये इट्स जस्ट ए बॉक्स कॉन्टेन मॉनिटर कीबोर्ड एंड माउस, नथिंग डन। डिपेंड्स ऑन डेडिकेटेड सर्वर। हाँ सर्वर तो चाहिए, बिना उसके कैसे काम करेगा ये डन। इसका पोर्ट 177 177 UDP पोर्ट 177 डन। XDMC हाँ RSH रिमोट सेल, जस्ट लाइक ओके इन विंडोज वी यूज़ व्हाट, टेलनेट एंड SSH, बट इन यूनिक्स लिनक्स वी यूज़ RSH। आपने रिमोटली लिनक्स यूनिक्स सर्वर को एक्सेस करना है, तो टेलनेट का ऑप्शन मेरे को नहीं पता है या नहीं, उनके लिए RSH होता है रिमोट सेल, रिमोटली एक्सेस करने के लिए डन। और इसका होता है 514। नहीं समझे, ये PC है, मेरे को बाहर रखे सिस्टम को एक्सेस करना है, तो मेरे पास GUI में ऑप्शन है RDP रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, और CLI में ऑप्शन है कि मैं उसका टेलनेट ले लूं डन। तो ये तो विंडोज़ के लिए हो गया। अब लिनक्स और यूनिक्स का सर्वर रखा है दिल्ली में, मेरे को उसे एक्सेस करना है, लिनक्स पे तो काम CLI होता है ना, तो उसको रिमोटली एक्सेस करने के लिए मैं RSH यूज़ करूँगा, जिसका रिमोट पोर्ट रिमोट कर देना रिमोटली एक्सेस करने के लिए, और उसका कितना पोर्ट नंबर होता है, 514 ये TCP में। ये TCP में डन। HTTPS पता ही है, हाइपरटेक्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर डन, और इसका 443 होता है, 443 443 डन। आइजा कैंप, इंटरनेट सिक्योरिटी एसोसिएशन की मैनेजमेंट प्रोटोकॉल एंड एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर की एक्सचेंज बिटवीन टू IPsec पीयर्स, इट यूज़ UDP पोर्ट नंबर 500 डन। जब भी VPN बनेगा दो पीयर्स के बीच में, सेलेक्ट ऑल यहाँ पे कर देते हैं। आपने क्या बनाया, एक R1 है और ये क्या है R2, जो कि किससे कनेक्टेड है, इंटरनेट के रास्ते एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब इन दोनों के बीच में आपने क्या बनाना है, VPN बनाना है। तो VPN से पहले ये एक दूसरे से कम्युनिकेट तो करेंगे ना, नेगोशिएशन तो होगा कुछ चीज़ का, उसके लिए आइजा कैंप यूज़ होगा, और आइजा कैंप का पोर्ट नंबर होता है UDP 500 डन डन। ओके इन्हें रहने दो तुम ठीक है, अगर वैसे करना है तो SQL.NET एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, ओके यूज्ड बाय बोथ ओरेकल सर्वर एंड ओरेकल क्लाइंट और Oracle.NET, और इसका पोर्ट नंबर हो टू एक्सेस डेटाबेस पोर्ट नंबर 1521। ये SIP, SIP, SCCP, SCTQ और MGCP, ये तुम्हारे वॉइस के अंदर आएंगे, इसीलिए मैं इनको नहीं छेड़ रहा डन। थैंक यू। मेन ये सब पोर्ट नंबर याद रखना जरूरी है ना।